अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जनाब, मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं बना रही हूँ आलू अंडे का सालन। तो सबसे पहले जो है मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले लिए ले लिए मैंने एक प्याज और उसको जो है अब मैं कट कर लूँगी। और अब मैंने आपको कल दिखाया था कि मैं जो हूँ इसकी अपना हाथ की जो है अपने बेटे की स्कूल की बुक्स की और किताबों की जो है मैं पैकिंग कर दी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हो पाया। अब शायद नहीं हो पाया या वैसी बुक्स नहीं आती, क्योंकि एक जगह से अगर रैप करो तो दूसरी जगह से खुल जाता है, दूसरी जगह से रैप करो तो एक जगह से खुल जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो मुझसे हो नहीं पा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है कल रात को जो है वो बुक शॉप पे गए और उन्होंने जो है वहाँ से जाके अपना वो करवा लिया और आज जाके उसको पिकअप करना है। खैर, अपना जो है यहाँ पे आलू अंडे का सालन बन रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आप लोग किस तरह से बनाते हैं आलू अंडे का सालन। मैं जो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही नाइस रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने ले लिया एक पैन और फिर मैंने उसको चला लिया है चूल्हा, और उसके बाद जो है मैं इसमें घी डालूँगी थोड़ा सा, और घी डालने के बाद इसमें डालूँगी प्याज। बस यहाँ पे जो है घी जो है हमारा, जो अब मैं घी डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को अच्छे से जो है ब्राउन करनी है, जैसे हम कोरमा बनाते हैं ना, बस वैसे ही उसका मसाला बनेगा। मैं प्याज को जो है टमाटरों के साथ बस ग्राइंड करूँगी। वैसे जो है हम लोग अपना कोरमे में जो है दही का इस्तेमाल करते हैं, इसमें दही इस्तेमाल नहीं होता, इसमें जो है टमाटरों का ही सारा अपना टेस्ट होता है। और ख़ास तौर पर जो ये जब प्याज रेड हो जाती है ना, तो उसी से ही कलर आता है। आपने जितनी रेड करनी है उतना आपका रेड हो जाएगा, ऐसा होता है। तो बस अपना यहाँ पर जो है प्याज अपना है रेड हो रही है, पीछे से मेरी बेटी जो है बोल रही है। बस यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद फिर मैंने जो है उसको ग्राइंड कर लिया था टमाटरों के साथ। तो ये देखिए मैंने फिर से जो है चूल्हा जला लिया है, और उसके बाद जो है मैं अपना फिर से जो है इसके अंदर अब मैं डालूँगी इसके अंदर इलायची। तीन इलायची डाली थी मैंने पंचर करके, क्योंकि सारा टेस्ट जो है ना इसी का आने वाला है। ज़्यादातर ऑयल में सही से जो है ये पक जाती है। उसके बाद फिर मैं डालूँगी सारा पेस्ट जो मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया था, और उसके अंदर मैंने डाला था धनिया, साबुत धनिया। बस यहाँ पे देखें जो है भुनाई अच्छे से हो रही है, इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अपना लाल मिर्च और नमक। हल्दी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि उसका माशाल्लाह से टेस्ट ही टेस्ट बोल रही हूँ सॉरी कलर देखें वैसे ही माशाल्लाह कितना अच्छा आ चुका है अपना जो है टमाटरों और उसका प्याज का मिक्स जो करके मैंने बनाया है। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से अपना जो है ना इसका टेक्स्चर और कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो बस अपना कल से जो है स्कूल स्टार्ट हो गए, किसी किसी के आज से स्टार्ट हो गए और मेरे बेटे के जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ऐसी रूटीन होने वाली है ना कि बस सर खुजाने की फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। और आपसे मैं रूटीन ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी कि हम कब उठते हैं सुबह और क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस अपना ये है कि अपना बस अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि सब बच्चों को अल्लाह ताला परवरदिगार उन सबको जो है अच्छा सेहतमंद रखे, और माओं को ख़ास तौर पे हिम्मत दे हौसला दे, ताकि वो जो है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा इंसान बना सकें। तो मैंने जिसमें जो है जिस जग में जो है मैंने ग्राइंड किया था, उसी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलू। आलू डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी कम अज़ कम ये 15 से 20 मिनट तक। ये देखें आलू जो हैं इसमें बिल्कुल पक गए हैं, और इसमें देखें ज़रा आलू कैसे किस कलर के हो चुके हैं, क्योंकि अपना प्याज का जो कलर जो था ना बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा सारा जो है ना थोड़ा सा हो गया रेड, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। अंडे मैंने मेरे बॉयल हो चुके थे, उसके बाद जो है मैंने इसमें अंडे डाल दिए। कुछ लोग अंडे फ्राई करके भी डालते हैं कि ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं ऊपर से, तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं ऐसे भी डाल सकते हैं।
तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा और उसके अंदर दाल के पास को सर्व करिएगा। बहुत बहुत मज़े की रेसिपी होती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्स अपने बेटे की। यार एक तो ये मॉन्ट जूनियर में आया है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि अपना जो है ऐसा लग रहा है जैसे अपना जो है ये क्लास 1 या 2 की बुक्स है। इतनी कोई अपना जो है इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी, ओ माय गॉड। मतलब हमने नहीं ऐसी पढ़ी, पर ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, इसको हौसला दे और मुझे भी हिम्मत दे भाई कि मैं इसके साथ साथ लगी रहूँ। बस मैंने इसमें नाम जो लिख दिए थे अपने बेटे के सारी बुक्स पे, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि आप नाम और अपना जो है प्लास्टिक शीट चढ़ा दीजिएगा और फिर हमें सबमिट करा दीजिएगा। तो बस इसको कल सबमिट करा देंगे, कल स्कूल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये कॉपियाँ हैं, कॉपियाँ भी इतनी सारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो हो खैर, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट अपना अपना वीडियो में। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।